कल को सर्बिया एयरपोर्ट पर बहुत सारे इंडियन पैसेंजर्स को रोक लिया गया। वो बेचारे कहीं बाहर नहीं जा सके, इंडियन एम्बेसी को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाके उनमें से कुछ की हेल्प हो पाई है। अभी भी पता नहीं इसमें से कितने लोग हैं जो परेशान हैं। असल में कुछ नए रूल्स अपडेट किए हैं सर्बिया की सरकार ने, जिसके बारे में आप सभी को पता होना बड़ा ज़रूरी है। सर्बिया एक्चुअली वो कंट्री है, यूरोप की पहली ऐसी कंट्री थी जो इंडियंस को बिना वीज़ा के अलाउ करती थी। बिना वीज़ा के यानी वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, वीज़ा के पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं आपको, आप सीधा अपना पासपोर्ट लेके जाइए और आप जाके पूरा देश घूम सकते थे एक महीने के लिए। RT-PCR रिपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती थी 9 जुलाई 2021 से पहले। 9 जुलाई 2021 को जो नया अपडेट आया है सर्बियन सरकार ने जो दिया है, उसकी वजह से ये सारे के सारे चेंजेस आए हैं। वो क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर दूं। सबसे पहला अपडेट ये है कि RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत होगी। दूसरा ये कि आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, मतलब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको 7 दिन मैंडेटरी है कि आपको वहाँ रहना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, आप इंडियन हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आप किसी भी नेशनैलिटी के हैं लेकिन आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं और सर्बिया जा रहे हैं, तब आपके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो सबसे पहला RT-PCR, उसके बाद में मैंडेटरी क्वारंटीन, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ जाने के बाद में आपको 2 RT-PCR टेस्ट करवाने होंगे, ये ज़रूरी हैं इन 7 दिनों में। जो सारी डिटेल्स है अब मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले मैं RT-PCR रिपोर्ट के बारे में बता दूँ कि ये जो रिपोर्ट है, आपको सर्बिया पहुँचने का जो टाइम है, सपोज़ दोपहर के 12 बजे है, आप सर्बिया लैंड करने वाले हैं, तो उस 12 बजे से 48 घंटे पहले आपका टेस्ट हुआ होना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिपोर्ट आने के बाद आपके 48 घंटे शुरू होते हैं, वो गलत है। तो आपके टेस्ट और लैंडिंग टाइम के बीच में 48 आवर्स का टाइम होना चाहिए, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें आप। हाँ, अगर फ़्लाइट लेट हो जाती है बीच में या कुछ और कारण है जो आपके फ़्लाइट लेट हो गई या कुछ और चीज़ें अगर होती हैं, तो उस केस में उन लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। वो कहते हैं कि आपको 72 आवर्स तक का हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं, लेकिन 48 आवर्स पहले आपको टेस्ट कराया होना चाहिए और रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए, RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। तो अगर आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखें आपका अराइवल टाइम जो भी है वहाँ से 48 आवर्स का जो ड्यूरेशन है वो शुरू होता है। उसके अलावा अगर आप कोविड के पेशेंट रह चुके हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं कोविड का पेशेंट रहा हूँ। ये सर्टिफिकेट ये बताएगा कि आप पिछले 6 महीने में कोविड पेशेंट रहे थे और अब उबर चुके हैं, अब आप नॉर्मल हो चुके हैं, अब आपको कोविड नहीं है, तो ये एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पर जो सरकारी जो वेबसाइट है वो मैं डिस्प्ले करूँगा ताकि आप उसको पढ़ सकें। लिंक मैं शेयर करूँगा ताकि ये वीडियो देखने के बाद में आप उसको अच्छे से गो थ्रू कर लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो तीसरा था कि आपका वैक्सीनेशन जो पूरी जो दोनों डोज हैं, अगर आपका वो 2 इंजेक्शन, अगर आपका 2 वैक्सीन्स वाला है जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक, ये अगर वो वैक्सीन्स आपके मतलब 2 डोजेज वाले हैं तो दोनों डोज आपकी पूरी हो चुकी हैं, ये एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। और अगर ये नहीं है तो आपको RT-PCR चाहिए। तो हम में से ज़्यादातर लोगों के पास में RT-PCR की ही ज़रूरत होगी। नंबर 1 डॉक्यूमेंट हो गया कोविड टेस्ट से जुड़ा हुआ। नंबर 2 है एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको, उस रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आपको निकालना है। ये रजिस्ट्रेशन बेसिकली कहते हैं इसको फॉरनर्स सर्वेलेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये भी उनकी सरकारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप क्लिक करें और आप उस लिंक पे जाएं। क्लिक करके जो वेबसाइट खुलेगी वहाँ पर एक लिंक है, उसको आप क्लिक कर लें तो आप उस फॉर्म को भरेंगे। उस फॉर्म को भरने के बाद में आपको एक ईमेल आएगा, वो है कन्फर्मेशन का। उस कन्फर्मेशन ईमेल का आपको प्रिंट निकालना है। ये हो गया डॉक्यूमेंट नंबर 2। ये आपको दिखाना होगा सर्बिया पहुँचने के बाद जो बॉर्डर पुलिस, मेरे ख्याल से वहाँ पर इमिग्रेशन को अथॉरिटीज़ को शायद बॉर्डर पुलिस बोलते हैं, खैर वो जो भी है, मतलब वहाँ के जो अथॉरिटीज़ है, लैंड होने के बाद में आपको ये वाला दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाना है। एक और डॉक्यूमेंट है जिसको वो बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉन्सेंट, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। इसमें भी कि मैं 7 दिन क्वारंटीन में रहूँगा, कहीं बाहर नहीं जाऊँगा, कोविड के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन सबका पालन तरीके से करूँगा, ये सब उस कॉन्सेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको सिग्नेचर करना, उसका प्रिंट निकालना है। तो ये 3 चीज़ें हो गई, RT-PCR, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ईमेल का प्रिंट और तीसरा कॉन्सेंट फॉर्म। अब वहाँ पहुँचने के बाद में ये सब, जैसे ही वहाँ पर आप पहुँचते हैं बेलग्रेड, सपोज़ आप लैंड हुए,
आपने रिपोर्ट दी, सबसे पहले आपको कहेंगे क्योंकि आप इंडिया से आए हैं, आप किसी भी नेशनैलिटी से हैं, आप इंडिया से फ्लाई करके वहाँ पहुँचें तो आपको 7 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना ज़रूरी है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो जो मैंडेटरी क्वारंटीन है क्या वो हम किसी भी होटल में कर सकते हैं, या जो उनकी कुछ होटल्स की लिस्ट है उसी में कर सकते हैं, ये मुझे क्लियर नहीं हो सका था। आप एक बार उस वेबसाइट को आप अच्छे से गो थ्रू कर लें, शायद आपको जानकारी मिल जाएगी। पहले दिन पहुंचते ही आपका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, इसके पैसे आप देंगे, ये है 9000 आरएसडी, 9000 सर्बियन दिनार आपको पे करने हैं। उसके अलावा 7वें दिन जब आप क्वारंटीन ख़त्म कर रहे होंगे तब आपका टेस्ट फिर से होगा, अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो आपका क्वारंटीन चलता रहेगा और आपका इलाज होगा, अगर आप नेगेटिव आते हैं तो आपका आप बाहर फिर घूम सकते हैं। लेकिन ख्याल ये रखना ज़रूरी है कि आपके 2 टेस्ट होंगे, इसके पैसे आपको देने हैं, 9000 आरएसडी हर टेस्ट की कीमत है, तो दोनों टेस्ट की जो कीमत इंडियन रुपीज़ में अगर मैं बताऊं तो ये बैठती है करीब 13,500 रुपये, तो 13,500 रुपये का एडिशनल खर्चा आपके ऊपर आने वाला है। आरटीपीसीआर टेस्ट वहाँ जाके आपको ये कराने हैं। अब जो इंडियंस इंडिया के अलावा कहीं और से सर्बिया में आ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप सिर्फ ट्रांज़िट कर रहे हैं सर्बिया से कहीं और जा रहे हैं, बेशक आप इंडिया आ रहे हों, आप दुबई जा रहे हैं, आप कहीं भी आ रहे हों, उनके लिए 12 घंटे के अंदर अंदर आप अगर सर्बिया से ट्रांज़िट कर रहे हैं, यानी आप लैंड हुए 12 घंटे के अंदर आपकी दूसरी फ़्लाइट है, इन दैट केस आपको ये जो नियम कायदे नए बने हैं ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जैसे पहले चीज़ें थी वैसे ही आपके ऊपर वो एप्लीकेबल रहेंगी। कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो मैं शेयर करूँगा, कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। टूरिस्ट हेल्पलाइन वाला जो फेसबुक ग्रुप है उसमें प्लीज़ अगर आप इन दिनों ट्रैवल कर रहे हैं और आप अगर इन चीज़ों से गुजरे हैं तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर करिएगा, क्योंकि औरों को बहुत फ़ायदा होगा।